सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक भगवान के भक्त हुए हैं महाराष्ट्र में, नाम था नामदेव जी। इनके बारे में वर्णन मिलता है कि इन्होंने लगभग 27 बार भगवान को प्रत्यक्ष देखा, विट्ठल भगवान को। कैसे देखा? आमने सामने, जैसे हम आपको देख रहे हैं और आप हमें देख रहे हैं। ऐसे भक्त नामदेव जी ने विट्ठल भगवान को सामने से देखा, यूं खड़ा, जब भी मन पड़े तो बुला लेते थे, भगवान के साथ बात करते थे। एक दिन संत ज्ञानेश्वर की बहन, वो बड़ी भक्ता थी। एक दिन सभी संतों को बुलाया गया और कहा गया, देखो जरा इन संतों में कौन सा संत पक्का है और कौन सा कच्चा है। तो संत ज्ञानेश्वर की बहन, हाँ, उन्होंने वो मीटिंग हुई थी गोरा कुम्हार के घर में। गोरा कुम्हार भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, जात के कुम्हार थे, काम था घड़ा बनाने का, पर भगवान से इतना प्रेम था कि गोरा कुम्हार को भी विट्ठल भगवान उनके घर पर दर्शन देने आते थे। इस कोटि की भक्त थे श्री गोरा कुम्हार जी। एक दिन गोरा कुम्हार के घर में सभी संतों का जमावड़ा लगा, इकट्ठे हुए उच्च कोटि के संत, जिनमें भक्त नामदेव जी भी थे, और नामदेव जी को दुनिया जानने लगी थी कि उच्च कोटि के भक्त हैं। संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि जरा देखो कौन कच्चा है पक्का है। तो कुम्हार के घर में वो घड़ा चेक करने वाला वो होता है, ऐसे पीटने वाला, कौन थापी बोलते हैं उसको, कौन कच्चा है कौन पक्का, और ये थापी से ना घड़े को बनाते, अंदर थापी लगा के हाथ से ऐसे ऐसे, हाँ, हाथ अंदर करके थापी से बाहर घड़े को ठीक करते हैं। तो वो थापी उठाई और उसने सारे संतों की पीठ में मारना शुरू किया। सारे संत तो चुप रहे, पर जब नामदेव जी की थापी पड़ी पीठ में तो नामदेव जी आग बबूला हो गए। क्यों, क्या तुम्हें संदेह है हमारी भक्ति में? अरे हमने 27 बार भगवान का दर्शन किया है, सारी दुनिया जानती है, और तुम थापी मार रही हो पीठ में। संत ज्ञानेश्वर ने कहा, बताओ बहन। ये दोनों भाई बहन बड़े भगत थे, ज्ञानेश्वर जी की बहन, बताओ कौन सा भक्त पक्का है और कौन सा कच्चा है। तो उनने कह दिया कि सुनो, सारे तो पक्के हैं, पर ये नामदेव जरा कच्चा है। अब नामदेव जी को भरी समाज में ये कहा गया कि अभी ये सच्चा भगत नहीं है, ये अभी कच्चा है, जरा सा कच्चा है। अब तो नामदेव जी को बड़ी गुस्सा आई और उन्हें लगा कि हमारी बेइज्जती हो गई, बदनामी कर दी सबके सामने, मोहर लगा दी कि ये तो भक्त है ही नहीं। अब नामदेव जी तो बड़े रोए और रोते रोते सीधे पंडरपुर विट्ठल नाथ जी के चरणों में गए और विट्ठल नाथ जी से कहा, प्रभु अब स्थान दो, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। क्यों? तुरंत भगवान प्रकट हो गए। 28वीं बार आ चुके थे, 28वीं बार आए। बोलो नामदेव, क्या हुआ, तुम रोते क्यों हो, आपने क्या देखा नहीं, सबके बीच में वो ज्ञानेश्वर की बहन, ज्ञानेश्वर जी की बहन ने मेरा अपमान कर दिया, कह दिया कि तुम कच्चे हो, बताओ क्या मैं कच्चा हूं। भगवान विट्ठल नाथ जी ने कहा, नामदेव बुरा ना मानो, तुमने मेरा 27 बार दर्शन किया है और आगे भी तुम 50 बार दर्शन कर लो, जब बुलाओगे मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं आने को तैयार हूं। पर उसने गलत नहीं कहा, तुम अभी सचमुच कच्चे हो। अब तो जमीन खिसक गई पांव तले। अरे जिस आदमी को आप मिल गए हैं प्रत्यक्ष रूप में, वो आपको पाने के बाद भी कच्चा रह सकता है क्या? आपके लिए दुनिया तपस्या करती है और आपके मिलने के बाद मेरे में कच्चापन क्या है? तब कहा भगवान विट्ठल नाथ जी ने, देखो नामदेव,
तुमने अभी तक किसी गुरु की शरण ग्रहण नहीं की, तुमने अभी तक गुरु नहीं बनाए, तुमने डायरेक्ट भक्ति करके मुझे तो पा लिया, पर मुझे पाया है तुमने बिना गुरु के। तुम्हारी भक्ति इतनी सच्ची थी कि मैं तुम्हें मिल गया, पर तुमने गुरु नहीं बनाया, इसीलिए अभी तुम्हारी भक्ति जरा सी कच्ची है, जरा सी कच्ची है। वो कब पकेगी प्रभु? जब तुम्हारे जीवन में कोई गुरु मिलेगा। तब नामदेव जी ने पूछ लिया कि आप ही बताओ कि मेरे लिए ठीक गुरु कौन है, क्योंकि वो कोई सामान्य व्यक्ति, नामदेव जी कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी है। तो कहा कि पास में ही जंगलों में एक संत पड़े हुए हैं, नाम है खेचर, जाओ। अब वहां से नामदेव जी चले, विठल 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 जपते जपते गए। तो जंगल में एक शंकर जी का छोटा सा मंदिर था, तो वहां पर खेचर संत पड़े थे, नाम था खेचर दास पड़े थे। वो खेचर दास जी जो थे ना, वो शंकर जी के ऊपर पांव रख के सो रहे थे, शिवलिंग पर पांव था और सो रहे थे, तकिया हाथ का था। अब ज्ञान नाम देव जी ने देखा, हे भगवान, ये तो एक नंबर का मूर्ख है, शंकर जी के ऊपर तो पांव रखा है और ये हमें क्या ज्ञान देगा, ये तो खुद मूर्ख है। संत नामदेव जी को लगा हो सकता है मैं गलत पते पर आ गया, हो सकता है जंगल में कोई दूसरा भगवान ने जिनको बताया वो कोई दूसरे ही संत हैं। तो आगे जब निकल के जाने लगे तो आंख बंद किए कि ये खेचर ने, खेचर दास जी ने आवाज लगाई, अरे नामदेव यहां आओ। अब नामदेव जी दंग रह गए, अरे इनको मेरा नाम कैसे पता, आए आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे बेटा तुम्हें कौन नहीं जानता, विट्ठलनाथ जी ने भेजा है ना। अब तो और दंग इन्हें कैसे पता कि विट्ठलनाथ जी ने भेजा है। अब समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, तुरंत हाथ जोड़कर प्रश्न किया नामदेव जी ने, प्रभु आप इतने सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं, तो शंकर जी के ऊपर पांव रख के क्यों सो रहे हैं, ये तो अपराध है ना, कोई भक्त भगवान के ऊपर पांव रखे तो अपराध है। तब संत ने कहा, देखिए गुरु क्या सिखाना चाहता है अपने शिष्य को। नामदेव जी तो पके हुए थे, जरा सी कसर थी, है ना, जरा सी कसर थी। चावल जब पक जाते हैं ना तो थोड़ा सा कच्चा चावल ही चूल्हे से उतार देते हैं। प्रश्न खड़ा हुआ, थोड़ा कच्चा क्यों उतार दिए? बोले ये भाप से ही पक जाएगा, जितनी कसर रह गई है उतार के ढक के रख दो, जो इसके अंदर गर्मी है भाप है उसी से ये थोड़ा सा पूरा पक जाएगा। इसे पूरा चूल्हे में पकाने की जरूरत नहीं होती, चूल्हे में तो 90% चावल पकता, 10% तो भाप से पक जाता। हाँ तो ये जो नामदेव जी थे ना, ये 10% जो थे भाप से पकने वाले थे। तो संत ने कहा, कह दिया, अच्छा नामदेव एक काम करो, शंकर जी जहां नहीं है वहां मेरे पांव उठा के रख दो। तो नामदेव जी ने पांव पकड़े, बोले मैं बुढ़ा हो गया हूं, हाथ पांव हिलते नहीं है, जरा तू ही उठा के रख दे। तो पांव उठाया और पांव दूसरी जगह रखा, वहां से शंकर जी प्रकट हो गए। फिर घुमाया पांव खेचर जी के, तीसरी जगह नामदेव जी ने रखा, वहां से शंकर जी। चारों तरफ घुमाया, चारों तरफ शंकर जी। तब खेचर दास जी ने कहा, बेटा नामदेव तुम्हें यही समझाने के लिए विट्ठल जी ने मेरे पास भेजा है, तुम केवल विट्ठल जी का दर्शन केवल विट्ठल जी के मंदिर में करते हो, यही तुम्हारा कच्चापन है। तो फिर पकापन क्या है, कैसे पकेंगे? बोले जिस विट्ठल का दर्शन तुम विट्ठल जी के मंदिर में करते हो उसी विट्ठल का दर्शन सब में करना स्टार्ट कर दो। जीव मात्र में जहां देखो वहां विट्ठल, जहां दृष्टि जाए हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सीय राम मय सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। सब में ईश्वर है यह दृष्टि कौन बना लो, फिर देखो तुम पक जाओगे। मेरा पांव देखो जहां रखा है वहीं शंकर जी हैं। ऐसी सच्ची बताऊं मेरी माँ, आप लोग जहां बैठी हो ना, सच कहूं तुम भगवान के ऊपर ही बैठी हो, कण कण में भगवान है। तो भगवान जब कण कण में है तो तुम जहां बैठी हो
वहां भी तो कोई ना कोई कण होगा ही, और वो कण ईश्वर है। तो भगवान के ऊपर तो सब ही है, भगवान के अतिरिक्त तो कुछ होए तो बताओ क्या है भगवान के अतिरिक्त। नमक का पहाड़ है, नमक का पहाड़ है, नमक के पहाड़ में नमक के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। अच्छा, नमक के पहाड़ में कुछ गिर भी जाए ना, आदमी चला जाए और वहां चला जाए और मर जाए, तो वो आदमी भी कुछ दिन में नमक के पहाड़ में दबा दबा वो भी नमक बन जाएगा, है ही नहीं ना कुछ अतिरिक्त, है ही नहीं, खाली स्थान है ही नहीं। उसी तरह इस सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जो आदमी ईश्वर के अतिरिक्त भी संसार में कुछ देखता है, इस कार्य यही हुआ कि उसे अभी देखना नहीं आया। सच्ची बात तो यह है, लोगों को देखना भी नहीं आया, भगवान के सिवा क्या देखना। उसके उस मैं देखो, कृष्ण मैं देखो, राम मैं देखो, सब। अब की बार खेचर के ज्ञान से नामदेव जी इतने प्रभावित भए कि उन्होंने उसी जंगल में कुटिया बनाई और बड़े प्रेम से रोटी बनाते और खाते। एक दिन उनकी रोटी ना कुत्ता मुंह पे दबा के भागा, तो नामदेव जी घी की कटोरी लेके दौड़ पड़े। अरे प्रभु जी रुक जाओ, अरे प्रभु जी रुक जाओ, क्या हुआ क्या हुआ। अरे बोले, कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े नामदेव जी, सूखी रोटी ना खाओ, आपने घी दिया है, घी तो चुपड़ लो। कुत्ते रोटी बना के रखे बाहर और घी की कटोरी लेने अंदर गए, तब तक कुत्ता रोटी दबा के भागा। तो रोटी लेकर कुत्ता गया, तो कुत्ते के पीछे नामदेव जी घी की कटोरी लेके गए कि सूखी ना खा लेना, घी चुपड़ के खाओ। लोगों ने कहा, ये कुत्ता है और तुम क्या कह रहे हो। नामदेव जी ने कहा, तुम कुत्ता समझ रहे हो और ये कुत्ता नहीं, इस जीव में मेरे विट्ठल नाच है, हर जगह मेरे विट्ठल, ये विट्ठल भगवान है। और जब ये भाव से विट्ठलनाथ पुकारा, तो तुरंत कुत्ते से भगवान विट्ठलनाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर भक्त को हृदय से लगा के कहा, अब तुम पक गए हो, अब तुम पक गए हो। कच्चा भक्त वही है जो केवल मंदिर में भगवान का दर्शन करता हो, पक्का भक्त वही है जो कण कण में भगवान का दर्शन करता हो। सब में ईश्वर है, सब में मेरे कृष्ण है, सब में मेरे राम, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।